हमारे देश में एक कंपनी भी अगर बंद करो ना तो काले झंडों के जुलूस निकलते हैं। 2,10,000 किया, कुछ समाचार ही नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज से होता है तो वो है भ्रष्टाचार, वो है काला धन। भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने में आपके संस्थान और देश की कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। नोटबंदी के बाद जिन 3 लाख संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से काले धन का लेन देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2,10,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। हमारे देश में एक कंपनी भी अगर बंद करो ना तो काले झंडों के जुलूस निकलते हैं। 2,10,000 किया, कुछ समाचार ही नहीं आ रहा है। न कोई मोदी का पुतला जला रहा है, यानी कितने झूठी दुनिया चली होगी आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शैल कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़ेगी और इसके असर से कंपनियों में पारदर्शिता भी आएगी और आप उस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। साथियों, देश के इतिहास में यह कालखंड बहुत बड़े परिवर्तन का है, बहुत बड़े बदलाव का है। देश में ईमानदार और पारदर्शी शासन का महत्व समझा जाने लगा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के निर्धारण के समय ICSI रिकमेंडेशंस की काफी सकारात्मक भूमिका रही थी। अब समय की मांग है कि आप एक नया बिजनेस कल्चर पैदा करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। GST लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में 19 लाख नए नागरिक आए हैं। छोटा व्यापारी हो या बड़ा, GST में समाहित ईमानदार व्यवस्था को अपनाएं। इसके लिए व्यापारी वर्ग को प्रेरित करते रहना, ये मेरी आप सबसे अपेक्षा है।